हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको काफ़ी अमेजिंग ट्रिक्स बताऊंगा जिनके आप यूज़ करके अपने फ्रेंड्स और यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे और साथ ही साथ अपने नोटिस का यूज़ करके अपने रैंक को भी काफ़ी इजीली यहाँ पे पुश कर पाओगे। तो वीडियो का अंत तक आप जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, मतलब पहले जो ट्रिक है ये काफ़ी अमेजिंग है और इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स और अपने एनिमीज को यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सोशल आइलैंड वाली जगह पर आ जाना है। जैसे ही अपन सोशल आइलैंड वाली जगह पर आ जाओगे फिर आपको कुछ इस जगह पर आ जाना है। तो जैसे ही यहाँ पर आ जाओगे फिर आपको यहाँ पे पीछे की साइड यहाँ पे नेट देखने को मिल जाता है। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस नेट के ऊपर यहाँ पे चढ़ना है। जैसे ही अपन नेट के ऊपर यहाँ पे चढ़ जाओगे फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली से जाकर यहाँ पे लेट जाना है। जैसे यहाँ पे लेट जाओगे फिर आपने देखना जो आपके यहाँ पे कैरेक्टर होगा वो पूरी तरह से यहाँ पे गायब हो जाएगा और गाइस ट्रिक का यूज़ करके आप भी अपने फ्रेंड को यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे। सो गाइस, आपके ट्रिक के कैसे लगी, अगर आपको ट्रिक यहाँ पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट ट्रिक है काफ़ी अमेजिंग है और इस ट्रिक का यूज़ करके आप ये अनलिमिटेड ग्रेनेड यहाँ पे यूज़ कर पाओगे और अपने फ्रेंड्स और अपने एनिमीज को यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे। तो इस ट्रिक को करने के लिए आप मेरे को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। सो गाइस, इस ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपके रैंपेज वाले मोड में आ जाना है। जैसे पे रैंपेज वाले मोड में आ जाओगे फिर आपको यहाँ कोने में जाकर अपने ग्रेनेड को यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। जैसे पे ग्रेनेड को यहाँ पर ड्रॉप कर लोगे फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपके जोन से अपने आपके यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे करवा लेना है या फिर आप अपने आपके यहाँ पे एनिमी से भी यहाँ पे किल करवा सकते हो। तो जैसे पे एलिमेंट यहाँ पे हो जाओगे फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे पे दोबारा से यहाँ पे रिवाइव हो जाओगे फिर से आपको यहाँ पे ग्रेनेड को यहाँ पे परचेस कर लेना होगा। जैसे पे ग्रेनेड को यहाँ पे परचेस कर लोगे फिर से आपको यहाँ उसी जगह पर जाकर अपने ग्रेनेड को यहाँ पे ड्रॉप कर देना है और ग्रेनेड को ड्रॉप करने का फिर से आपको अपने आपको यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे कर लेना है। तो जैसे ही आप इस सारी चीज़ को काफ़ी बार यहाँ पे कर लोगे फिर आगे जाके मेरे को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। सो गाइस, जैसे आप इन स्टेप्स को काफ़ी बार यहाँ पे फॉलो कर लेते हो फिर आपने देखना आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे ग्रेनेड हो जाएंगे और जैसे आप अपने एनिमी के ऊपर यहाँ पे इन वाले ग्रेनेड को यहाँ पे यूज़ करोगे तो उन्हें यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे रियल डैमेज आएगा और वो भी यहाँ पे सरप्राइज हो जाएंगे कि आपके पास इतने सारे यहाँ पे ग्रेनेड यहाँ पे कैसे आ गए। सो गाइस, आपके ट्रिक में कैसे लगी, अगर आपको ट्रिक भी पसंद आई तो कमेंट करके आप जरूर से बताना। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस, मैं नेक्स्ट ट्रिक है काफ़ी यहाँ पे खतरनाक होने वाली है और इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स और यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपका सोशल आइलैंड वाली जगह पर आ जाना है। जैसे पे सारी जगह पर आ जाओगे फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको शॉप पे जाकर यहाँ पे क्राफ्ट के यहाँ पे परचेस कर लेना है और जैसे आप क्राफ्ट के यहाँ पे परचेस कर लोगे फिर आपको यहाँ पे डाइस को भी यहाँ पे परचेस कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपने क्राफ्ट के कुछ इस तरीके से आप यहाँ सेट करते जाना है जिसे मैं यहाँ पे सेट करूँगा और जैसे आप क्राफ्ट के यहाँ पे सेट करते जाओगे फिर आगे जाके आप मेरे को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। सो गाइस, जैसे आप क्राफ्ट के यहाँ पे लगाते जाओगे फिर यहाँ पर एक टाइम होगा जो आपके यहाँ पे करेक्ट होगा वो फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर की तरफ यहाँ पे काफ़ी सारी से यहाँ पे आ जाएगा और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपके यहाँ पे करेक्ट है वो काफ़ी जो है फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर की तरफ यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पर आने के बाद आप अपने फ्रेंड वर्क को यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे। तो जैसे आप ऊपर तरफ आ जाओगे फिर आगे जाके आप मेरे को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। सो गाइस, अब मैं आपको यहाँ पे एक और अमेजिंग यहाँ पे ट्रिक बताऊँ जिसका आप इसके अपने फ्रेंड वर्क को यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने क्राफ्ट का कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट करते जाना है जैसे मैं यहाँ पे सेट करूँगा और जैसे पे क्राफ्ट के यहाँ पे सेट कर लोगे तो यहाँ पर एक टाइम होगा जो आपके यहाँ पे करेक्टर होगा वो इस बीच वाले यहाँ पे इनविजिबल लेयर को यहाँ पे एकदम से क्रॉस कर जाएगा और जो आपके यहाँ पे करेक्टर होगा वो एकदम से फुटबॉल ग्राउंड के अंदर की तरफ यहाँ पर चला जाएगा। और अगर जैसे आप अंदर तरफ यहाँ पे आ जाओगे फिर आपने देखना जो आपके यहाँ पे करेक्टर होगा वो आराम से यहाँ पे सर्वबोर्ड वगैरह को भी यहाँ पे यूज़ कर पाएगा। और अगर जैसे कि आपको पता होगा अगर आप नॉर्मल तरीके से फुटबॉल ग्राउंड के अंदर यहाँ पे आते हो तो आप अपने सर्वबोर्ड के यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन इस ट्रिक का यूज़ करके आप आराम से अपने सर्वबोर्ड के यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स और अपने एनिमीज के यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। और अगर जितने भी आपने यहाँ पर शॉप से यहाँ पे सामान को यहाँ पे खरीदा होगा वो सारे सारे सामान भी आप यहाँ आराम से यूज़ कर सकते हो और जैसे ही आपके फ्रेंड और एनिमी इस वाली चीज़ को यहाँ पे देखेंगे वो यहाँ पे एकदम से सरप्राइज हो जाएंगे कि आप शॉप वाले सामान को यहाँ पे अंदर तरफ यहाँ पे कैसे यूज़ कर रहे हो। सो अगर जितने भी ट्रिक्स मैंने आपको स्टूडियो बताया स्टार्टिक्स आपको कैसे लगी, अगर आपको स्टार्टिक्स यहाँ पसंद आई तो प्लीज़ इस स्टूडियो को यहाँ पर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। We'll be right back.